फिनलैंड के तलबा उस वक्त तक स्कूल नहीं जाते जब तक वो 7 साल की उम्र के ना हो जाएं, लेकिन इसके बावजूद उनकी पढ़ने की सलाहियत और रिहासी में महारत यानी कि मैथमेटिकल स्किल्स बहुत बेहतर होती हैं। फिनलैंड तालीम के हवाले से टॉप परफॉर्मिंग ममालिक में शुमार होता है। हर 45 मिनट के बाद तलबा को 15 मिनट की ब्रेक दी जाती है। तलबा को जांचने और टेस्ट लेने से ज़्यादा उनकी लर्निंग और उन्हें सिखाने पर तवज्जो दी जाती है। वहाँ ना तो तलबा की रैंकिंग की जाती है और ना ही स्कूल्स की रैंकिंग की जाती है, सिर्फ पढ़ाई पर ध्यान दिया जाता है। जापान के तलबा दुनिया के तमाम ममालिक के तलबा से ज़्यादा आज़ाद और ख़ुद मुख्तार हैं। वो अकेले स्कूल जाते हैं, अपने क्लासरूम्स की सफाई खुद करते हैं। वहाँ के एलिमेंट्री और हाई स्कूल्स में तलबा को दोपहर का खाना मुहैया किया जाता है। असातिज़ा और तलबा मिलकर इकट्ठे दोपहर का खाना खाते हैं। जापान में तलबा चाहे पिछली क्लास पास ना भी कर पाए, फिर भी उन्हें अगली क्लास में प्रमोट कर दिया जाता है। उनके टेस्ट स्कोर्स को तभी देखा और काउंट किया जाता है जब बच्चों ने हाई स्कूल्स, कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ में दाखिला लेना हो। स्कूलों में कोई खाकरोप मौजूद नहीं है और तलबा खुद ही क्लासरूम्स की सफाई करते हैं। रूस के तमाम स्कूल्स इल्मी दिन यानी नॉलेज डे से शुरू होते हैं और वो है 1 सितंबर का दिन। फिर उस दिन चाहे छुट्टी हो या वीकेंड, स्कूल शुरू कर दिया जाता है। स्कूल का ये पहला दिन इल्मी दिन कहलाता है और ये 1984 में शुरू हुआ था। इस दिन बच्चे स्कूल के बाहर लाइन में खड़े हो जाते हैं, पहली बेल बजती है और पहला सबक दिया जाता है। इस दिन को खास तरीके से मनाया जाता है। असातिज़ा और तलबा तालीमी गाने और शायरी सुनने के लिए एक लाइन में खड़े हो जाते हैं और स्कूलों के हेडमास्टर्स की तरफ से नए तालीमी साल की शुरुआत पर मुबारकबाद दी जाती है और मोटिवेशनल स्पीचेस की जाती हैं। मरूफ सियासतदान हत्ता के रूसी सुदूर और वज़राए आज़म भी नए तालीमी साल के इल्मी दिन के मौका पर मशहूर स्कूल्स की असम्बलीज में शरीक होते हैं। असातिज़ा को फूलों के गुलदस्ते पेश किए जाते हैं। सेरेमनी के अख्तिताम पर पहले तालीमी साल में दाखिल होने वाली एक बच्ची 17 से 18 साल की उम्र के तालिब इल्म के कंधों पर बैठती है और उस बच्ची को एक घंटी दी जाती है। उस बच्ची को हुजूम से गुजारा जाता है और वो बुलंद आवाज से घंटी बजाकर नए इल्मी दिन का इफ्तिताह करती है। इस तरह से रूस का इल्मी दिन शुरू हो जाता है।